हाँ तो मेरी जान, कैसे आप लोग? आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड्स। एंड आज के इस वीडियो में गाइस आप लोग को डुअल फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी ब्लैक टोन में। कितना बवाल लगता है फ्रेंड्स फोटो ब्लैक टोन में, फ्रेंड्स फोटो और ही बवाल लगता है ये सब फ्रेंड। एंड जैसा आप लोग को फोटो दिख रहा है गाइस, बिल्कुल इस तरह से आप लोग को फोटो एडिटिंग करना मैं सिखा दूंगा। एंड दोस्तों देख सकते हो कितना बवाल लग रहा है फोटो गाइस। एंड ये सब जो मैं बीच में दिया हूँ फ्रेंड्स, एक अपना फोटो, वो भी उससे फ्रेंड्स और ही फोटो बवाल लग रहा है, उससे फ्रेंड्स फोटो में और ही जान आ गया है। तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग को फोटो एडिटिंग करना है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। एंड दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर आप लोग हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स इंस्टाग्राम वाला मेरा। तो इसी की तरह फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट। देख सकते हो फोटो कितना बवाल लग रहा है, तो बिना टाइम पास किए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो मेरी जान, देख सकते हो ये हमारा नॉर्मल फोटो है गाइस, जो कि कितना ख़राब भद्दा टाइप का लग रहा है। एंड इसी फोटो को फ्रेंड्स हम लोग आज एडिट करने वाले हैं एंड डुअल फोटो एडिटिंग में करना चाहते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, शेयर वाले आइकन पर आके आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना फ्रेंड्स, आप लोग को स्नैपशीट में फ़ोटो को लेकर चलना है। उसके क्या करना, आप लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पर आके फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को ट्विन इमेज का आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ट्विन इमेज इसे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना। एंड इसे ब्राइटनेस को बढ़ा कर फ्रेंड्स 44 में ब्राइटनेस बढ़ाए दोस्तों, उसका कंट्रास्ट को आप लोगों को कम रखना है 31 माइनस, सेचुरेशन को आप लोगों को इंक्रीज करना है 33 प्लस, उसके बाद एमईएस को इंक्रीज करना है 20 प्लस। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग डन करके फ्रेंड्स यहाँ पर डन कर दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हो तो फोटो में इतना काफ़ी चेंज आ गया है, बिफोर वाला फोटो एंड ए आफ्टर। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना, शेयर करके लेके चलना फिर आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड दोस्तों डुअल फोटो करने के लिए फ्रेंड्स आप लोग को एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि जैसा मैं डुअल फोटो किया हूँ फ्रेंड उसमें आप लोगों को एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो फ्रेंड्स पिकशॉट से भी हो जाता है, लेकिन आप लोग को मैं आगे बताता हूँ किस तरह से आप लोग को करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स ये वाला हमारा फोटो आ गया। तो यहाँ पर क्या करना, आप लोग को ब्लैक टोन में फोटो एडिटिंग करना, अर्बन ब्लैक टोन। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग को लाइट्स में आके यहाँ पे शेडो को आप लोग इंक्रीज कीजिएगा, 87 प्लस में इंक्रीज किया हूँ। एंड वाइट्स को मैं कम करूँगा 68 माइनस, ब्लैक्स को कम करूँगा 51 माइनस, उसके बाद हाइलाइट्स को भी हल्का कम कर लूँगा 37 माइनस, कंट्रास्ट को भी हल्का कम रखूँगा 16 प्लस। इतना मैं शेडिंग कर दिया हूँ फ्रेंड्स। उसका क्या करता हूँ मैं कलर्स पर आके इसका टेम्परेचर को हल्का डिक्रीज कर लेता हूँ मैं 11 माइनस, एंड टिंट को भी हल्का बढ़ा लेता हूँ 40 प्लस, उसके बाद वाइब्रेंस को भी मैं हल्का इंक्रीज कर लूँगा 21 प्लस, सेचुरेशन को भी 13 प्लस। इतना मैं कर लिया हूँ फ्रेंड। उसका क्या करता हूँ, मिक्स वाले कलर पे आके यहाँ ग्रीन वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग आगे जाएगा, सेचुरेशन इसका कम कीजिएगा एंड ह्यू भी कम कीजिएगा, पूरा 100 माइनस देख सकते हो। एंड सेम येलो का भी फ्रेंड्स सेचुरेशन माइनस एंड ह्यू माइनस पूरा इस तरह से। उसके बाद ब्लू का सेचुरेशन मैं हल्का कम रखूँगा फ्रेंड, इतना रख लूँगा 29 प्लस। उसके बाद ऑरेंज को सेलेक्ट करके इसका सेचुरेशन कम 21 माइनस, उसके बाद लुमिनस को बढ़ा लूँगा फेस के अनुसार 43 प्लस। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, रेड वाले कलर को सेलेक्ट करके इसका हल्का सेचुरेशन मैं बढ़ा लूँगा 40 प्लस। उसके बाद डन करके फ्रेंड आप लोग क्या कीजिएगा, आ जाइएगा इफेक्ट्स पे, एंड इफेक्ट्स पाने का इसका टेक्स्चर को आप लोग इंक्रीज रखिएगा हल्का 43 प्लस, क्लैरिटी को माइनस 18 माइनस, उसके बाद डीएच को हल्का इंक्रीज कर लूँगा मैं, इतना मैं रख लेता हूँ फ्रेंड 19 प्लस में रख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इसको इतना मैं रख लेता हूँ क्वालिटी को 18 माइनस, उसके बाद भिगनेट पे आकर फिर इसका अमाउंट में हल्का कम कर लेता हूँ 37 माइनस। इतना सेटिंग करने के बाद फ्रेंड्स फोटो को आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड ये आफ्टर। उसके क्या करना, आप लोग कलर्स पर आकर फ्रेंड यहाँ पर आप लोग को मिक्स के बगल में फ्रेंड आप लोग को ग्रेडियंट ग्रेडिंग का आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे शैडो को आएगा, मिडटोन आएगा, हाइलाइट्स एंड ग्लोबल, इतना चार ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मिडटोन को सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा इस बीच वाला आइकन को फ्रेंड्स सेलेक्ट करके ना इसको आप लोग हल्का येल्लो टाइप की तरह लेके चलेगा फ्रेंड्स, येल्लो की तरफ लेके चलेगा हल्का सा। इतना में कर लिया फ्रेंड, देख सकते हो ह्यू फ्रेंड्स यहाँ पे 55 है एंड सेचुरेशन 15 है, इतना आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका लुमिनस को और कम करूँगा 47 माइनस, एंड ब्लेंडिंग को मैं बढ़ाऊँगा फ्रेंड्स 88 प्लस, उसके बाद बैलेंस को मैं कम रखूँगा, नहीं इसे मैं बढ़ा कर रखूँगा फ्रेंड्स 62 प्लस। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग आइएगा हाइलाइट्स पे,
एंड हाइलाइट्स पे भी सेम फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग इतना का रख लीजिएगा, 9 में रख दिया आपने U48 एंड सेचुरेशन 9। उसके बाद मैं डन कर लेता हूँ फ्रेंड। डन करने के बाद आप लोग देख सकते हो फोटो कितना बवाल लग रहा है फ्रेंड्स, फोटो बिफोर वाला फोटो देख सकते हो एंड आफ्टर। उसके बाद आप लोगों को फोटो को सेव करके लेके चलना फिर रेमनी एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे इनहेंस वगैरह कर देता हूँ फ्रेंड्स, मैं ऐड वगैरह पूरा देख लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, मैंने रेमनी एप्लीकेशन में कर दिया हूँ फ्रेंड, देख सकते हो बिफोर वाला फेस मेरा फ्रेंड्स एंड ये आफ्टर। उसके बाद फोटो को सेव करके फ्रेंड आप लोग को मिलते हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, मतलब स्केचबुक में। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो फिर मैंने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर फोटो को सेव कर लिया। तो यहाँ बात आती है फ्रेंड फेस स्मूथ करने का, तो फेस स्मूथ करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ब्रश मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आप लोगों को ब्रश बताता हूँ वो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। ये वाला स्मज का आप लोग क्या कीजिएगा, स्मज का ए वाला ब्रश आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्मज का फ्रेंड्स ए वाला ब्रश आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर सेटिंग आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग आप लोग 3 रखिएगा, फ्लो एंड स्ट्रेंथ 5। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर साइज अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा या फिर कम कर लीजिएगा जितना आप लोग को कंफर्टेबल लगे। तो इतना मैं रख लिया फ्रेंड्स, तो इतना आप लोग को सेटिंग कर लेना है, फ्लो 3 रखना है, स्ट्रेंथ 5 रखना है। उसका जब आप लोग फोटो स्मूथ करेगा फ्रेंड्स बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल HDR हाई क्वालिटी में आप लोगों का फेस स्मूथ होगा, जरा सा भी ब्लैक ब्लैक लाइन नहीं आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड मैं इतना फ्रेंड्स फास्ट कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे हल्का सा भी फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक लाइन नहीं आया। इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को फेस स्मूथ कर लेना अच्छे तरीके से। एंड अब बात आती है कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो फोटो दिया था अपने टी शर्ट पे उस तरह से आप लोग कैसे दोगे डुअल, जैसे डुअल फोटो एडिटिंग। तो आप लोग क्या कीजिएगा फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों को फटाफट फ्रेंड आप लोग को अगर आप पहली बार कर रहे हो तो अच्छे अच्छे से कीजिएगा फ्रेंड, धीरे धीरे फेस स्मूथ तो आप लोगों से अच्छा से होगा, नहीं तो फ्रेंड आप लोगों को फोटो हल्का ख़राब लगेगा। तो यहाँ पर मैं लगभग फ्रेंड्स यहाँ पर फेस स्मूथ में अपना कर लिया हूँ। उसके बाद बात आती है फ्रेंड गर्दन की तरफ, आप लोग हैंड वगैरह आप लोग पूरा कर लीजिएगा। मैं आप लोग को मैं इतना ही करके मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ फ्रेंड, तो आप लोग इतना करके फ्रेंड्स अच्छा से फेस स्मूथ कर लोगे। उसका क्या करता हूँ फ्रेंड मैं यहाँ पे हल्का सा इसे भी मैं स्मूथ कर लेता हूँ अपने गर्दन को, अपने हिसाब से फ्रेंड आप लोग भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से जो कि अच्छा लगे। तो फ्रेंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों आप लोग को अगर डुअल फोटो एडिटिंग करना सीखना चाहते हो फिर तो स्पेशल मैं एक पिक्सट एप्लीकेशन के मदद से करके आप लोग के लिए लाऊंगा, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो ऐप के बारे में बताऊंगा वो ऐप आपके पास होगा भी नहीं, आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग में पिक्सट एप्लीकेशन ज़रूर रहता है। तो यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फोटो को स्मूथ कर लिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कितना हार्ड हुआ है फ्रेंड्स फेस स्मूथ। तो इस तरह से आप लोग को भी स्मूथ करके आप लोग को फोटो को पहले सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को मैं एक एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को बताता हूँ जो कि आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग को प्ले स्टोर पर आना है, प्ले स्टोर पर आके आप लोग को क्या सर्च मारना है फ्रेंड्स पिक्सल लाइव, जो कि यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया पिक्सल लाइव। तो इसे पे आप लोगों को क्लिक करके फ्रेंड्स एला एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैं फ्रेंड्स मैं किया हुआ हूँ। तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसे कैंसिल करके इस तरह का आप लोग को इंटरफेस मिलेगा। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर प्लस वाला आइकन आप लोग को दिख रहा होगा, इस प्लस वाला आइकन पर आइएगा। एंड यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर आके यहाँ पर फ्रॉम गैलरी आएगा ऑप्शन, फ्रॉम गैलरी पर आके फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोग फोटो स्मूथ किए थे एंड जिस पे आपको लगाना है उस फोटो को सेलेक्ट कीजिएगा। इस पे जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोगों को सर्किल जैसे आप लोगों को बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो सर्किल का आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ये वाला बॉक्स सर्किल जैसा हो जाएगा। तो इसे आप लोग एडजस्ट करके फ्रेंड आप लोग जितना आप लोग को लगाना है उतना आप लोग इतना कर लीजिएगा। तो मैं इतना लगाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इतना मैं लगाया था तो मैं इतना ही लगाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ, नीचे आप लोग को डन का ऑप्शन भी दिख रहा होगा तो इस पर मैं डन कर देता हूँ। एंड डन करके फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को इस तरह से आ जाएगा। अगर इसमें भी आप लोग कुछ एडिटिंग करना चाहते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को ये ऑप्शन आप लोग को दिख रहेगा बीच वाला, इस पर आइएगा एंड इसे स्क्रॉल करके फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रोक इस पर आप लोग क्लिक करके इसे इनेबल कर दीजिएगा एंड इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 4 कर दिया हूँ,
उसके बाद मैं इसे डन करके यहाँ पे आप लोग को जस्ट बगल में यहाँ पे आप लोग को शेडो का भी आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं इसे भी इनेबल्ड करके आप लोग इतना एडिट कर लेने के बाद दोस्तों ना यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा जस्ट बगल में, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ना यहाँ पे आप लोग को ट्रांसपेरेंट का आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड आप लोग का इरेज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है ना दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर आप ऊपर 3 डॉट आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, 3 डॉट पर आइएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट इमेज का, एक्सपोर्ट इमेज पर आइएगा। एंड यहाँ पे जे पीएनजी में आप लोग कर लीजिएगा फ्रेंड, अगर यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो, अगर जेपीजी में रहेगा तो यहाँ पे पीएनजी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग सेव टू गैलरी कर दीजिएगा। तो इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह आ सकता है, तो ऐड आ गया था फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कीजिएगा ना आप लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। एंड पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर आके एडिट फोटो पर आइएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर जो आप लोग फोटो सेव किए थे ना फेस स्मूथ किए, तो उस पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा यहाँ पर ऐड फोटो का आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड फोटो पर आइएगा। एंड जो आप लोग वहाँ से सेव किए फ्रेंड्स फोटो पिक्सल लाइव से, उस फोटो को ले लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा जहाँ जहाँ आप लोग को लगाना है। अगर आप लोग इधर उधर भी लगा लाना तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से भी आप लोग लगा सकते हो। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड आप लोग को फ्रेंड्स कुछ इस तरह के फोटो एडिटिंग करना सीख गए होंगे मैं आशा करता हूँ। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।